ठीक, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ, स्टार्ट। चलो चलो बेटा, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हाँ लवीस, अभिषेक, रेहान, शुभम, बढ़िया बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, पेपर डिस्कस करते हैं बेटा, फिर आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो कहाँ से थे अपने? 46 से थे ना। चलो फटाफट पेपर डिस्कस करते हैं, फिर बात करते हैं पेपर के बारे में। चलो ये बताओ, इस पेज पे कोई डाउट है क्या? 46 से 49 तक कोई डाउट? आगे बढ़े गुड़िया, कोई डाउट? ध्यान, कोई डाउट? चलो आगे वाला पेपर देना, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? तैयारी स्टार्ट कर देना क्लास के साथ साथ, आगे वाला पेपर हमें देना है। चलो आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलो। 49 के बाद 50 to 60, छवि, प्रिंस, लवीस, अभिषेक, 60 नंबर क्वेश्चन तक कोई डाउट? कोई डाउट? चलो कोई दिक्कत नहीं है। 61 to 73, नेक्स्ट पेज पे चलो। 65 देखो बेटा, अरे बेटा 1 AMU बराबर होता है, अपन ने क्या कहा था? छोटी छोटी चीजें बेटा, यही तो गलती करवाती है। अपन ने क्या कहा था? 1 AMU क्या होता है? 1/n-a-gram, यस ओर नो? अरे होता नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा दिमाग काम में लेना होता कि ऐसा कुछ सर ने बताया क्या है। एमयू को ग्राम से कोरिलेट करके पूछ रहा है बच्चों, तो ये बताओ 1/na की वैल्यू पुट करेंगे तो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10^23 ग्राम, यस ओर नो? क्लियर है? इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं बच्चों, तो देखो 1/6.023 10^23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का होगा, नहीं होगा? क्लियर है बेटा? अब देखो बच्चों, ऊपर 1 है, 1/6 है, देखो बेटा समझना इस चीज को, 1/6 है, तो बच्चों ध्यान रखना कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल बना देता है, यानी पॉइंट मिस्टेक करवा देता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इजी बनाने के लिए ऊपर वाली डिजिट को बड़ा ले लो। मैंने क्या कहा, कैसे? इसको 1 से अगर मैं 10 बना दूं, इसको 1 से 10 बना दूं, क्योंकि हमें पता है 10/6 को थोड़ा इजीली कैंसिल आउट कर लेंगे, क्लियर है? इसको 1 से 10 बना दूं तो ये 10^4 कितना होगा? -24, यस ओर नो? इसको 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, जो इसको 10 से डिवाइड कर दो, वो बचपन में अपन मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, एक को मल्टीप्लाई दूसरे को डिवाइड, सेम टू सेम डिजिट से, इक्वल है या नहीं है? क्लियर है? अपॉन क्या हो गया? 6.023, यस ओर नो? अब बच्चों अप्रोक्स करके करेंगे तो कैसे? मैंने क्या कहा, अप्रोक्स से कर लिया करो। कैसे? अगर ऊपर 12 होता, तो 12/6 कितना होता? 2 टाइम, यस ओर नो? लेकिन ये वाली डिजिट 12 से थोड़ी कम है, यानी 2 से थोड़ा कम आएगा, नहीं आएगा? तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1.67 के समथिंग हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 10^4 कितना हो गया? -24। ये किस में है बच्चों? ग्राम वाली वैल्यू है, ये किसके बराबर है? 1 AMU है। समझ में आ गया, यस ओर नो? देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1 AMU = 1/na-gram। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन था? 64 था ना, कौन सा था? 65। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे करना है? क्लियर है लवीस? बात समझ में आ गई अभिषेक? चलो बेटा आगे बढ़ो और बोलो। 73 तक कोई डाउट? कौन सा? 67 में 2 दे रखा है। चलो बेटा देखते हैं 66, 62 दोनों देखते हैं। हाइड्रोजन अणु का वास्तविक द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन अणु की बात कर रहा है बच्चों। देखो हाइड्रोजन अणु, पहली बात तो ये बताओ, इधर ध्यान दो, हाइड्रोजन अणु बोला मतलब H2 हो गया, यस ओर नो? अरे एक हाइड्रोजन में हम क्या लेते हैं? 1 AMU मल्टीप्लाई बाय 2 एटम है, तो क्या हो जाएगा? अरे 2 AMU हुआ या नहीं हुआ, यस ओर नो? अब ये तो क्या है बच्चों, ये तो 2 AMU है। आपको ऑप्शन देखो किस में दे रखे हैं? ग्राम में दे रखे हैं बच्चों। बात समझ में आ गया? इसका मतलब AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना, तो क्या करूंगा? अपॉन एन ए ग्राम होगा या नहीं होगा? क्लियर है? वही बच्चों इसे एन ए से डिवाइड कर दो, तो क्या लिखेंगे? 2/na कितना? वही 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10^23 ग्राम, यस ओर नो? जो बच्चे नए बेटा, शुभम, यहाँ एन ए समझ रहा है क्या? अवोगाड्रो नंबर बेटा, ये नाम सुना है ना, अवोगाड्रो नंबर वो है। और ये AMU एटॉमिक मास यूनिट है, GM यानी ग्राम, एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम ये क्या है? मास की यूनिट है बेटा ये। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? देखो ये अगर ऊपर जाए तो क्या हो गया? 2 × 10^4 कितना हो गया? -23 अपॉन क्या हो गया? 6.023, यस ओर नो? क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये बताओ अगर 20 होता तो 20 को 6 से इजीली डिवाइड कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, तो 2 को मैं 20 बना लूं,
20 मल्टीप्लाई बाई तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा बेटा। एक को 10 से मल्टीप्लाई तो दूसरे को डिवाइड कर दो, 24 अपॉन क्या हो गया 6.023, यस और नो? अब हमें पता है, इधर ध्यान दो, 6 को 3 टाइम करो तो कितना आता है 18 आता है, ये 18 से थोड़ा ज्यादा, तो 3 से थोड़ा ज्यादा टाइम आएगा नहीं आएगा, यस और नो? हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाली डिजिट ज्यादा होना आंसर थोड़ा ज्यादा आना, नीचे वाली डिजिट अपॉन वाली डिजिट ज्यादा होना थोड़ा कम होना। कैसे? सिंपल सी मैथमेटिक के बच्चों देखो, क्या ये अप्रोक्स करने का तरीका है एग्जैक्ट कैलकुलेशन से बचना? क्या मैंने ये लिख दिया 10/10 कितना आता है 1 आता, सीधी सी बात है दोनों इक्वल है कितना आएगा 1। मैंने ये कर दिया 11/10 तो कितना आएगा 1.1, यानी ऊपर वाली वैल्यू 10 होने पर तो 1 आ रहा था, 10 से थोड़ी ज्यादा है, तो देखो 1 से थोड़ा ज्यादा आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है बच्चों? इसका उल्टा बोल दो बेटा, 10/11 तो कितना आएगा 0.9, यस और नो? क्लियर है? कैसे? नीचे वाली वैल्यू 10 होती तब तो 1 आ जाता, 10 से थोड़ी ज्यादा तो 1 से थोड़ा कम, यस और नो? सिंपल मैथमेटिक का ध्यान रखना, ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा होना आंसर ज्यादा आएगा, यस और नो? नीचे वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी आंसर नॉर्मल से कम आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो वही बात अपन कर रहे हैं। क्या अगर ऊपर 18 होता 18 होता तो 18 से 6 क्या होता 3 टाइम डिवाइड होता नहीं होता, लेकिन ये वाली वैल्यू 18 से थोड़ी ज्यादा है या नहीं है, आंसर 3 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? यानी समथिंग क्या हो जाएगा 3.2 कर दूं मल्टीप्लाई बाय 10^-24 ग्राम, यस और नो? अब देखो बच्चों, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10^-24 ग्राम सेकंड आंसर है या नहीं है? समझ में आ गया? क्लियर है? यानी सीधा टिक लगाने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग यूज करना था, क्या करना है कैसे करना है उसी के अकॉर्डिंग है बेटा। और बोलो 73 तक कोई डाउट? 67 देखो बेटा क्या बोल रहा है, 2 कैलोरी इक्वल है बेटा। अपन ने क्या कहा था, कैलोरी जूल इनका रिलेशन बताया था, तो 1 कैलोरी क्या होती है 4.2 जूल, यस और नो? 1 कैलोरी क्या होता है 4.2 जूल, तो सिंपल सी बात है 1 कैलोरी इसके इक्वल है, तो 2 कैलोरी कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 जूल होगा या नहीं होगा? अरे 1 इसके बराबर है तो 2 कैलोरी क्या होगा डबल होगा या नहीं होगा, तो कितना हो गया बेटा 8.4 जूल। क्लियर है? छवि के 70 देखो बेटा क्या बोल रहा है, देखो 70 नंबर क्वेश्चन देखो, इन x-3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 18। बच्चों देखो समझते जाना क्वेश्चन की लैंग्वेज, देखो पेपर शानदार बनाया था, सीधा टिक लगा के सीखने का मतलब नहीं बेटा, उसको दिमाग कैसे काम में लेना है, अप्लाई कैसे करना वो तुम्हें आना चाहिए। क्या बोल रहा है, इन x-3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 18, x-3 की कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 18 है, इसका मतलब -3 चार्ज कब आता है जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब x-3 की कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन है बेटा 18, तो अगर ओनली x होता, ओनली x होता तो इलेक्ट्रॉन कितने होते 15, यस और नो? इसका मतलब पहले न्यूट्रल को कंसीडर कर लो। आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है देखो, न्यूट्रल हमें पता न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब कोई एलिमेंट मान लो x है, न्यूट्रल में अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल में उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं, यस और नो? और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही तो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ जो नंबर होता है बेटा किसी एटम के साथ लिखा जाता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। जैसे क्लास में हर बच्चे का एक रोल नंबर फिक्स होता है, वैसे हर एटम का एक रोल नंबर फिक्स है, एक नंबर फिक्स है, उसे बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा बेटा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, याद है ना, वो उसका एटॉमिक नंबर ही है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ठीक है, ऊपर जो नंबर होता है वो क्या होता है उसका मास नंबर। क्लियर है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्या इस एटॉमिक मास इज इक्वल टू 31, इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा 31 है, ये ऊपर इसका मैंने मास लिख दिया, यस और नो? तो बीच में हमेशा एटम होता है, पहले उसका एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर उसका मास होता है। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एक्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा, तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे करते हैं, ये माइनस ये, यस और नो? तो 31-15 कितना हो गया 16 न्यूट्रॉन, यस और नो? क्लियर है? सभी बात समझ में आ गई बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग काम में लेके मॉडिफाइड करते जाना था, उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। क्लियर है? चलो बेटा आगे बोलो, 73 तक इस पेज पे कोई डाउट? 73 तक इस पेज पे कोई डाउट? 73 तक यहां तक कोई डाउट? यहां तक बात ठीक है? 67 गलत हुआ, 66 वाला कौन सा था? ठीक है चलो, और 87 वाला ये गलत हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं, इजी थे, कर सकता था ये भी अगर अच्छे से अप्लाई करता तो।
चलो बेटा और बोलो नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा 74 से 84 तक को डाउट 77 की बात करते हैं। मतलब देखो 77 में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच कंटेन्स 64 न्यूक्लियॉन्स। अरे 64 न्यूक्लियॉन्स है, इसका मतलब ये मास नंबर दे रखा नहीं दे रखा। मैंने क्या कहा था बेटा, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बेटा, P प्लस N का सम, यस और नो। और P प्लस N के सम को अपन मास नंबर भी तो बोलते हैं, नहीं बोलते, बोलते हैं। न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है बेटा, आपको याद है हमने फॉर्मूला लिखा था आर नॉट ए की पावर 1/3, यस और नो। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, R इज इक्वल टू आर नॉट कितना होता है 1.33 मल्टीप्लाई बाय 10^-15 मैंने लिखाया था, क्लियर है। और एक इसका कितना लिखूंगा बेटा 64, और इसकी पावर कितनी करनी है 1/3, और ये हमें पता है मीटर में आता है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, देखो तो क्या करेंगे 1.33 मल्टीप्लाई बाई 64 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, ऐसी को डिजिट लेने हैं जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर वापस यही आ जाए, यस और नो। तो वो कितना होता है 4 होता है बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 10^-15 मीटर, क्लियर है। अब हमें पता है ये कितना होगा, 1.3 को 4 से करते कितना आता है 52.5.2 आएगा, नहीं आएगा, समथिंग आ गया बच्चों 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10^-15 मीटर, देख लो समथिंग, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। देखो बच्चों क्या दे रखा है, अच्छा और देखो अब बच्चा क्या करेगा, देखो बच्चा कहेगा सर ऐसा तो दे ही नहीं रखा है, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन वाला लफड़ा इसीलिए बता रखा है कि आपने सोल्व कर लिया है लेकिन आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो फिर फायदा क्या। एक छोटी सी गलती से देखो बेटा, अब मीटर के दो ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, एक ही दे रखा है ना 5.32 मल्टीप्लाई बाय 10^-13, बाकी तीन ऑप्शन मुझे किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में। तो इसको कन्वर्ट करके देखता हूं, एक मीटर में वो बराबर आंसर सही नहीं आ रहा ना, मीटर में दे रखा वो 10^-13 है जबकि आ कितना रहा है 15, क्लियर है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा 100, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर में आएगा नहीं आएगा, अरे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10^-15 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। आपको मैं यूनिट कन्वर्जन वाला लफड़ा मैंने इसलिए बता रखा है कि लास्ट में ऐसे कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आपको आना चाहिए कम से कम, क्लियर है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10^-15 प्लस 2 यानी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, यस और नो। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10^-13 सेंटीमीटर, कौन सा, फोर्थ वाला, क्लियर है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलो 84 तक इस पेज पे कोई डाउट, 84 तक इस पेज पे कोई डाउट, इस पेज पे कोई डाउट 80, चलो 80 नंबर देखो क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है। अच्छा देखो, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ 2000 एंगस्ट्रम नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। बच्चों एनर्जी और वेवलेंथ आपको दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन अपनी किया हुआ, खाली डाटा ही तो चेंज है इसमें, और करना क्या है, मैंने क्या कहा था बच्चों एनर्जी और वेवलेंथ के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स की अगर हम बात करें तो एन बराबर क्या होता है बेटा 5 × 10^-24 क्या होता है बेटा e × λ, यस और नो, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों एन इक्वल टू 5 × 10^-24 ई का मतलब ई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1 जूल मल्टीप्लाई बाय लेमडा मुझे कितना दे रखा है 2000 एंगस्ट्रम, यस और नो, क्लियर है। अब मैंने क्या कहा बच्चों, देखो ये मुझे एंगस्ट्रम में दे रखी है, जूल के साथ अपन क्या करते हैं एम के यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है, कुछ पीछे की बातें भी बोल रहा हूं मैं स्वम, कोई डाउट बेटा पूछ लेना कि ये क्या होता है, बात समझ में आएगा, जो भी तुम्हें डाउटफुल लगे कि ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है क्या होता है तो पूछ लेना, थोड़ा वो तुमने एलन में पढ़ा बेटा सुना होगा ऐसा कुछ सुना ना, ठीक है तो पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा 2000 एंगस्ट्रम हो गया, क्लियर है। एनर्जी अगर जूल में हो, ये एनर्जी की यूनिट है जूल, एनर्जी अगर जूल में हो तो हमेशा एम के एस वाली यूनिट्स यूज करते हैं, एम के समझते हो ना मीटर, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड, यानी टाइम डिस्टेंस और सेकंड की यूनिट है बेटा, क्लियर है। तो क्या करूंगा एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे 2 × 10^24 1 × 2000 है, और मीटर में कन्वर्ट करूंगा 1 एंगस्ट्रम क्या होता है 10^-10 मीटर, यस और नो, अरे बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा बच्चों, इसे अगर मैं सोल्व करूँ, देखो बच्चों 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया, नहीं हो गया 10 हो गया बच्चों, और साथ में बच्चों देखो 3 ये है तो 10^4 हो गया, यस और नो, 10^4 और पहले से कितना है बच्चों 24, तो 10^4 कितना हो गया 28, यस और नो, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ।
क्लियर है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10, 10 तो और 3 जीरो ये हो गए 1 2 3 तो 10 टू पावर 4 हो गया, 4 ये है 24 ये कितना हो गया 28, क्लियर है, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितना हो गया माइनस 10, क्लियर है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 18 होगा या नहीं होगा, प्लस का 28 माइनस का 10 कितना बच गया 18, क्लियर है। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 10 टू पावर 18 कौन सा बच्चों सेकंड, क्लियर है, और बोलो 84 तक कोई डाउट, 84 तक कोई डाउट, नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा 90 तक कोई डाउट, 90 तक कोई डाउट, 90 तक कोई डाउट हो गया, यस और नो, यस और नो, 87 प्रिंस छवि देखो क्या बोला है x प्लस 2 क्या बोल रहा है, देखो बेटा इन x प्लस 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन आर 16 देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x माइनस 2, मैंने हमेशा कहा है बच्चों आपको चार फॉर्म में देगा पहले उसे न्यूट्रल में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लिया करो, ओके देखो बच्चों इसने क्या बोला है x प्लस 2, x प्लस 2 में क्या बोल रहा है बच्चों प्रोटॉन कितने हैं, अरे 16 है, यस और नो, मैंने क्या कहा इधर ध्यान दो x प्लस 2 में प्रोटॉन कितने हैं 16 है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब x प्लस 2 में प्रोटॉन 16 है, अगर ये ओनली x होता, ओनली x होता तो प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चों, अरे प्रोटॉन तो 16 ही होते, यस और नो, क्लियर है, ओनली मैंने क्या कहा x प्लस 2 में 16 प्रोटॉन है, इसका मतलब ये बताओ अगर न्यूट्रल होता, न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन 16 ही होते, प्रोटॉन में कोई डिफरेंस आता है क्या, अरे प्लस माइनस चार्ज किसी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, क्लियर है, x प्लस 2 में प्रोटॉन 16 है तो हमें पता है ओनली x में भी प्रोटॉन कितने होते 16 ही होते, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर फिक्स होता है या नहीं होता, होता है बच्चों, ओनली x यानी इसकी न्यूट्रल फॉर्म में प्रोटॉन 16 है तो न्यूट्रल में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं नहीं होते, यस और नो, क्लियर है बेटा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 16, न्यूट्रल में अगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 तो बच्चों देखो कहां चला गया 87 क्या, अगर ये x माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन 16 है तो x माइनस 2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, समझ में आ गया छवि, छवि छवि बात दिमाग में बैठ गई बेटा, यस और नो, मैंने क्या कहा सीधा टिक लगाने वाला, मैंने एक भी नहीं दिया जानबूझ के, थोड़ा सा दिमाग काम मिलो बेटा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सको, क्लियर है, नो डाउट गलतियां होगी कोई टेंशन नहीं, लेकिन बस आगे हम इन गलतियों को थोड़ा इंप्रूव करते जाना कि ताकि बार बार रिपीट ना हो, क्लियर है, चलो 90 तक को डाउट, 90 तक कोई डाउट, 90 तक कोई डाउट, 90 तक कोई डाउट, चलो और कोई डाउट, कोई भी डाउट, चलो बेटा ये पेपर तुम रख लो, तुमने पढ़ रखा चैप्टर पीछे का वैसे सोल्व करके देख लेना बेटा, ठीक है, और किसी बच्चे को जिसने पेपर नहीं दिया सोल्व करना बेटा नीचे से प्रिंट ले जाना, ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलो बेटा ये तो हुई पेपर की बात, चलो पहली बात तो बेटा देखो, चलो इधर सुनो इस बात को, पहली बात तो जो बच्चों का मैं स्कोर सोच रहा था दो ही बच्चों का अकॉर्डिंग टू हो पाया है बच्चों, एक तो शोएब का, एक विष्णु, ठीक है, विष्णु का मुझे पता था वो बच्चा शानदार करेगा, इतना भी नहीं पता था कि वो भी बच्चा टॉप कर देगा, फर्स्ट रैंक उसी की आएगी 92% समथिंग 91 point something, शोएब का पता था ठीक है बच्चा उसका उम्मीद से बेटर आया, मुझे लगा जस्ट बच्चा स्कूलिंग से आया है और पहला पेपर दे रहा है, और ऐसा भी नहीं कि उसका वही बात है बहुत फटाफट रिप्लाई करता है क्लास में, लेकिन सबसे बड़ी बात शोएब की क्या लगी, शोएब ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 90 में से 57 उसने अटेम्प्ट किए हैं 57 और ओनली उसके 4 नेगेटिव है, ओनली 4 नेगेटिव, इसका मतलब कोई बच्चा 90 में से पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके अगर मान लो 60 क्वेश्चन सही कर रहा है तब तो कोई मतलब नहीं है, उसने अंधेरे में लाठी घुमाई है, 90 में से 60 पिल गई है, एक्चुअल में यही होता है, कोई बच्चा सारे के सारे करके आ रहा है उसमें से उसके मान लो 20-30% नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब उसका 50% तक तो उसे आता था, 50% क्वेश्चन तो उसने कर दिए कॉन्फिडेंस से, बाकी 50% भी उसने ऐसे बैठ घुमाया है और किसी के बोल लग गई किसी के नहीं लगी, कहने का मतलब लेकिन जिस उस बच्चे ने जिस हिसाब से किया ओनली 4 नेगेटिव, मुझे नौसा सर को बहुत अचंभा हुआ,
कि ये जो बच्चा जस्ट स्कूलिंग से आया उसका पहला पेपर है, क्लास में भी ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ अब बच्चा बहुत फटाफट रिप्लाई करता है क्या या जल्दी से कैच कर लेता है क्या, फिर भी उसने नेगेटिव नहीं किए, इसका मतलब उस बच्चे ने 61% अटेम्प्ट किए उसके 99% उसने कॉन्फिडेंस से किए, बाकी को उसने टच भी नहीं किया। और नो डाउट बाकी के अगर 29% वो टच करता तो शायद 10% और कर देता, लेकिन उसने सिर्फ वही किए जो फुली कॉन्फिडेंट था, 4 नेगेटिव और 57 उसके सही, और उस बच्चे का स्कोर 62% है। उस बच्चे का मुझे लगा था शायद पहला टेस्ट है बच्चे का 30-40% से शुरुआत करेगा। और प्रिंस छवि बड़ा तुम्हारा भी अकॉर्डिंग टू होप नहीं है, ठीक है, लवीस प्रिंस छवि इन बच्चों से तो मुझे लग रहा था कि ये मोर देन 90 करेंगे, ठीक है। अभिषेक को भी देख के लग रहा था कि बच्चा कम से कम 50+ तो कर ही देगा, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी तो ये शुरुआत है। बात समझ में आई क्या? वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वही बात है सभी बच्चे 90 से शुरुआत करते हैं क्या, गलतियां तुमसे होती जाएगी, होती नहीं जाएगी, तुमसे करवाई जाएगी। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि जब तुम कोचिंग के टेस्टों में ऐसे गलती कर सकते हो तो मेन एग्जाम के पेपर में भी गलतियां कर सकते हो। समझ में आ गया? और इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना बेटा, क्या ये जो गलतियां आपसे यहाँ हो रही है उनको इम्प्रूव करते जाना है, क्लियर है? इतना तो बेटा आपने खुद का एनालिसिस कर लिया होगा, किसी बच्चे का स्कोर कितना भी हुआ हो, सपोज करो किसी का 50 है सपोज करके चलो, तो इतना तो उस बच्चे ने आइडिया लगा लिया होगा कि इतना हार्ड वर्क करने से मेरा स्कोर 50 बना है, इसका मतलब नेक्स्ट पेपर में अगर मुझे 50 से 60 बनाना है तो जितना हार्ड वर्क मैंने क्लास में और घर जाके किया था 50 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10% अगर ज़्यादा स्कोर करना है तो हार्ड वर्क भी 10% ज़्यादा करना पड़ेगा पहले से, यस और नो? बात समझ में आई बेटा? एक सिंपल सी बात है बेटा, मैं यहाँ पोडियम पे खड़ा होकर फर्स्ट बेंच पे जंप लगा रहा हूँ, इसके लिए मुझे जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, अगर मैं फर्स्ट की बजाय यहाँ से सीधा सेकंड बेंच पे जंप लगाना चाहूँ यानी पहले से ज़्यादा डिस्टेंस अगर मैं कवर करना चाहता हूँ तो मुझे पहले जितनी एनर्जी लगाई थी उससे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से जंप करके मैंने अगर 10 फीट की मान लो मैंने बच्चों डिस्टेंस कवर कर दी बच्चों जंप करके, ठीक है, अब मान लो क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं 10 की बजाय मैं बोलता हूँ कि मुझे 15 या 20 फीट डिस्टेंस कवर करनी है एक बार में, तो ये बताओ मुझे 10 से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? पहले मैंने 10 फीट में जितनी एनर्जी लगाई थी अगर उतनी ही लगाऊंगा तो 10 फीट तक ही जा पाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये एक बच्चे को बेटा फुटमार्क दे रहा हूँ मैं, क्या हर बच्चे को, कि इतनी मेहनत, इतनी मेहनत का मतलब है क्लास में टीचर ने पढ़ाया, मैंने ऐसे पढ़ा था, ऐसे मैंने समझा था, घर जाके मैंने इतना पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग मेरा स्कोर है 50%, 60%, 70%, 80%, 90% जो भी आपका है, इसका मतलब मुझे अगर 50 को 60 में कन्वर्ट करना है या 60 को 70 में कन्वर्ट करना है, 70 को 80 में कन्वर्ट करना है तो मुझे पहले से 10% ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, यस और नो? बात समझ में आई क्या? पहले से हमेशा बेटर करने का एफर्ट करो बेटा, चाहे 1% बेटर करो लेकिन जिद होनी चाहिए कि मेरा पीछे वाले टेस्ट से बेटर स्कोर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिंदगी में वो कहते हैं ना, हमारा आज हमारे कल, जो कल जा चुका उससे बेटर होना चाहिए। अगर हमारा आज प्रेजेंट अगर हमारे पास्ट वाले कल से बेटर है, यस्टरडे से कल बेटर है बेटा, इसका मतलब हमने कुछ बेटर किया है जिंदगी में, यस और नो? और अगर उससे खराब है या वही बात है तो इसका मतलब हम ओवर डाउनफॉल गए हैं, वैसा ही है, मतलब हमने कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना बच्चों, 7 नेगेटिव किए हैं और 2 छोड़ दिए हैं, 13 से 7 नेगेटिव की उम्मीद नहीं थी प्रिंस, यही तो मैं कह रहा हूँ, 13 से उम्मीद थी मुझे मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, उसमें छोड़ना नेगेटिव सब आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तू जो क्वेश्चन छोड़ गया आएगा वो भी मेरे नजरों में नेगेटिव है। समझ में आ गया? जो कोई एवरेज बच्चा अगर मान लो कोई क्वेश्चन मान लो उसके मान सकते हैं छोड़ना, अगर कोई जो बच्चा मान लो जिसका अच्छा रिस्पॉन्स देता है, बच्चे का IQ अच्छा है और वो बच्चा अगर क्वेश्चन छोड़ता भी है उसको भी मैं यही बोलता हूँ नेगेटिव है तुम्हारा, नहीं आता सीधी सी बात है इसलिए छोड़ा है, कन्फ्यूज हो रहा है इसलिए छोड़ा है। जो बच्चा रियल में टॉपर्स होता है, सिलेक्शन वाला बच्चा होता है, उसको मैक्सिमम 5-5 क्वेश्चन का देता हूँ। आपके पास हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन मैक्सिमम होनी चाहिए, चाहे 5 क्वेश्चन आप छोड़ो चाहे आप मतलब नेगेटिव करके आ जाओ। जो क्वेश्चन आपने, ये ध्यान रखना, ये मत सोचो जो बच्चा टॉप करना चाहता है, जिसकी टॉप रैंक की इच्छा है, वो कभी ये मत सोचो कि मैंने छोड़ा उसकी कोई टेंशन नहीं है। इस चीज़ को चैलेंज की तरह लो बेटा कि मैंने जो छोड़ा वो मेरा नेगेटिव है। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब जो क्वेश्चन आपने छोड़ा वो आपको 0 मार्क नहीं, आपको ये दिखना चाहिए कि मेरा -1 मार्क आ गया, -1 नंबर मेरा ले गए। समझ में आ रहा है? और -1 नहीं, जो बच्चा बहुत अच्छा है 90 है वो स्कोर कर सकता है, उसको तो वो जो छोड़ा हुआ क्वेश्चन है वो 4 नंबर का लॉस करने वाला होना चाहिए कि मेरे 4 नंबर चले गए, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, वरना मेरे 1 क्वेश्चन और सही होता 4 नंबर और आते। समझ में आ गया? तो ऐसी बात नहीं बेटा, फर्स्ट टेस्ट में आप परफेक्ट हो जाओगे, सेकंड टेस्ट में परफेक्ट हो जाओगे,
ऐसे तो चलता ही रहेगा, पूरी साल गलतियां करवाई जाएगी, ठीक है, गलतियां आपसे होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा हर बार हम वही गलती रिपीट करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और सारा रोल किसका है बच्चों? प्रैक्टिस का है। हर बच्चे का पोटेंशियल अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। हाँ, ये बात श्योर है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, इससे पहले उसे 3 बार रिविजन तो करना पड़ता ही पड़ता है। समझ में आ गया? तुम जितना तुम इनपुट दोगे आउटपुट उतना ही आएगा बेटा। बात समझ में आई क्या? अब सबसे पहली बात तो बच्चा कहेगा सर रिविजन कैसे हो, तो एक सिंपल सा तुम्हें मेथड बता रहा हूँ बच्चों। चलो कोई दिक्कत नहीं, कल वाला पेपर हो गया। आज का जो पेपर, मान लो आज से मेरी नेक्स्ट वाले पेपर के लिए तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अरे जो विनर्स होते हैं ना, विनर्स होते हैं, जिस दिन वो हारते हैं उसी दिन उनकी अगली विन के लिए तैयारी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? विनर ना कभी रुकते हैं, ना कभी थकते हैं, ना कभी वेट करते हैं। समझ में आ गया? इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं वो कि अब अगले वाले मुझे छोड़ना नहीं है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना। तुम मान लो तुम्हारा स्कोर अच्छा हो गया, तो 2 दिन तक तुम उसी में घूमते फिर रहे हो कि 2 दिन तक मेरा 90% स्कोर था टेस्टों में, हवा में घूम रहे, तुमने 2 दिन खराब कर दिए, कोई फायदा मिला गया? नो। तुम्हारा पेपर खराब हो गया, तुमने 2 दिन रो रो के निकाल दिए, ठीक है, उसका कोई फायदा हुआ गया? ठीक है, अरे कोई फायदा है क्या? नहीं बेटा। स्कोर अच्छा हुआ तो भी वो मेरा पास्ट था, स्कोर बुरा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा पास्ट था। समझ में आ गया? जरूरी नहीं है कि मेरा प्रेजेंट मेरे पास्ट जैसा ही हो। पास्ट अच्छा था, प्रेजेंट बुरा भी हो सकता है, पास्ट बुरा था, प्रेजेंट उससे अच्छा भी हो सकता है। डिपेंड करता है मैं प्रेजेंट पे काम कैसा करता हूँ। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो कल वाले स्कोर में चाहे टेस्ट में कैसा भी स्कोर हो, आपके चाहे 90 हो, चाहे 40 हो, डजंट मैटर। अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए टारगेट? नेक्स्ट वाले पेपर मेरा कितना होना चाहिए? और हर चीज की बेटा जिद होनी चाहिए। आया समझ में? क्या आप जहां पढ़ने बैठते हो बेटा, वहां एक स्टिकर चिपका लिया करो बेटा, अपनी जिंदगी को खुद को चैलेंज देना सीखो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जहां पढ़ना कोई बात है, पढ़ने बैठते हो तो आपका फर्स्ट माइनर टेस्ट है, इसमें आपके बना है मान लो 90%, ठीक है, तो ये लिख के छोड़ दो बेटा। खुद को चैलेंज करना सीखो कि मेरा सेकंड माइनर होगा, इसमें मुझे मिनिमम ये तो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? आपने खुद को चैलेंज कर दिया, ये चैलेंज आपको पहले से 2% ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए मजबूर कर देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने बेटा लापरवाही दिखा रखी है, 90 बने टेंशन नहीं है, अगले टेस्ट में आप 80 पे आ गए कोई टेंशन ही नहीं है। थोड़ी बहुत टेंशन भी होनी चाहिए कि मैं भले ही चाहे पहले वाले से 1 नंबर ही ज्यादा करूं, लेकिन कम से कम बेटर तो करूं, इसका मतलब जिंदगी में आगे तो बढ़ रहा हूं। समझ में आ गया? अब ये रिवीजन का तरीका क्या होता है ध्यान रखना। मैंने कहा कल वाला पेपर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, आज की आपकी अलग तैयारी अगले वाले पेपर के लिए स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्लियर है? तैयारी का तरीका क्या होता है बेटा? जो आपको पढ़ाया जा रहा साथ साथ पढ़ते रहो पर डे, साथ साथ जो टीचर ने कहा बेटा ये एक्सरसाइज सोल्व कर लेना, वो एक्सरसाइज सोल्व करना, साथ साथ क्वेश्चन बैंक सोल्व करते रहो। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, जिस दिन संडे को टेप मतलब होता है अपना टेस्ट होता है, पेपर होता है, उससे 1 वीक पहले मैं आपको टेस्ट का अनाउंसमेंट कर देता हूँ। बात समझ में आई क्या? जिस दिन टेस्ट का अनाउंसमेंट होता है कि ये सब्जेक्ट आएंगे, ये चैप्टर आ रहे हैं, जिस दिन टेस्ट अनाउंस हो जाता है, आपको 6-7 दिन का टाइम मिलता है। आज से तो साथ साथ पढ़ना ही है जो पढ़ाया जा रहा है। जिस दिन टेस्ट का अनाउंसमेंट होता है 1 वीक पहले, उसी दिन आपके दिमाग में वो चैप्टर छप जानी चाहिए। समझ में आ गया? उनका वापस रिवीजन स्टार्ट कर दो। बच्चा कहेगा सर वापस रिवीजन कैसे करें, क्लास भी तो चलती रहेगी। तो नॉर्मल डे में मान लो 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, और पढ़ना ही चाहिए, पांच सेल्फ स्टडी के 8-10 घंटे मिनिमम होने ही चाहिए बेटा इतना तो, ठीक है। आप मान लो 10 आवर्स आप पढ़ रहे हो, तो जिस दिन टेस्ट के सिलेबस का अनाउंसमेंट हो जाता है, उसके बाद उन 10 आवर्स को डिवाइड कर दो 2 पार्ट में, 5+5, ठीक है। ये 5 आवर्स तो मुझे किस में देने हैं, जो करंट में चल रहा है क्लास में उसमें, इधर ध्यान दो। ये 5 आवर्स तो मुझे किस में देने हैं, जो करंट में चल रहा है क्लास में उसको देने हैं, और 5 आवर्स किस में देने हैं, जो टेस्ट में आएगा। पहले पेज से सर ने लिख दिया ये चैप्टर आएगा, वेक्टर आएगा, तो वेक्टर की पहली लाइन से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। पहले चैप्टर रिवाइज करो, पहले सारी थ्योरी रिवाइज करो हर सब्जेक्ट में, फिर उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसे आपको 1 वीक में पूरा रिविजन हो जाएगा। तो संडे को पेपर है आपका, ये काम फ्राइडे तक हो जाना चाहिए, यानी टेस्ट से पहले 2 दिन तक। समझ में आ गया? सैटरडे को जो क्लास होती है, फिर आपको क्या करना है, यानी एक बार तो आपने क्लास के साथ साथ कर दिया, एक बार आपने जैसे टेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ था बेटा उसके साथ फिर से रिवीजन कर दिया पूरा। फर्स्ट टाइम में आपको ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे, थोड़ी एनर्जी कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। थर्ड टाइम आपको क्या करना है, सैटरडे यानी कल जो पेपर है, कल फ्राइडे तक आपने वापस रिवीजन कर दिया, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, क्लियर है। फिर जो सैटरडे यानी संडे से पहले वाला जो डे है बेटा, सैटरडे को क्लास खत्म होते ही आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना, रात को रिवाइज करके सोना है। यानी सैटरडे को मैं उठूंगा तो मेरा 3रा रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए।
समझ में आ गया। सैटरडे को जब मैं मॉर्निंग में उठूंगा तीसरा रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, और सैटरडे को जब नाइट को सोऊंगा तो थर्ड टाइम मेरा रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। थर्ड टाइम कौन सा बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? एक बार तो क्लास के साथ साथ हो गया, एक बार मंडे को जो टेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ था कि टेस्ट का सिलेबस अनाउंस हो गया कि इस संडे को पेपर होगा, टेस्ट का सिलेबस ही है, मंडे से स्टार्ट हो जाना चाहिए दूसरा रिवीजन, क्लियर है? वो काम आपका फ्राइडे तक अच्छे से हो जाना चाहिए, समझ में आ गया? तीसरा रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए टेस्ट से पहले वाले दिन सैटरडे को, जब मैं मॉर्निंग में उठूंगा वहां से लेकिन नाइट को मैं सोऊंगा वहां तक मेरा तीसरा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड टाइम कर रहे हो आपकी स्पीड एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, क्लियर है? फोर्थ रिवीजन होना चाहिए बेटा संडे को जब उठोगे तो, तब आपको खाली पेज पलटने हैं, कहाँ मुझे स्क्वायर करना है, कहाँ अंडर रूट करना है, कहाँ प्लस का ध्यान रखना है, कहाँ माइनस का ध्यान रखना है, इसका डाटा 5 होता है, इसका 8 होता है, इसका 10 होता है, इसका क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? बस यही ध्यान रखना है। फोर्थ टाइम रिवीजन होगा, ये आपको कॉन्फिडेंस भी दिला देगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग ही होगा, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। हर टेस्ट से पहले फोर्थ टाइम रिवीजन तो होना ही चाहिए बेटा। जो टॉपर्स होते हैं ना 80-90 वो ऐसे ही होते हैं, नोट्स को रगड़ देते हैं वो, बार बार पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ऐसा नहीं एक बार कर लिया मैंने तो कर लिया, एक एक बार करने वाले ही 5-5 साल खराब कर देते हैं, समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, एक बार में उसी काम को अच्छे से कर दोगे आप बेटा, किसी मार्केट में मान लो एक बार आप जा रहे हो उस रास्ते पर, में भी आपको गलती आपसे हो सकती है, कौन सा टर्न कहाँ आ रहा था, कौन सी शॉप कहाँ आ रही थी, आपके कन्फ्यूजन हो सकता है, होता नहीं होता? लेकिन उसी रास्ते से आप बेटा दिन में 10 बार निकल गए, आप आंख बंद करके बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, वो टर्न वहाँ पे है, वो शॉप वहाँ पे, आपके टिप्स पे होगी एक एक चीज़, होता नहीं होता? बस यही काम है बेटा, क्लियर है? आपके नेगेटिव क्वेश्चन क्यों होते हैं, इसका मतलब आपने एक या दो बार पढ़ा आपने है, एक या दो बार पढ़ाया तो वो आपको मिस कॉन्सेप्ट कर देता है, पता नहीं इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, लेकिन उसी चीज़ को आपने 4-5 बार रिवाइज कर दिया, एक एक चीज कंप्यूटर की तरह सेव होगी, अलग अलग फोल्डर बना बना के, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, समझ में आ गया? कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, हमारा कन्फ्यूजन हम खुद दूर कर सकते हैं टीचर से डिस्कस करके, टीचर से डिस्कस करो खुद के लेवल पे रिवीजन कर करके, लेकिन जब तक 4-5 बार रिवीजन नहीं करोगे बेटा टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। कुछ रेयर केस में ऐसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट होते हैं जो 2 बार करके काम चला लेते हैं, उनका IQ बोर्ड गिफ्टेड होता है, लेकिन एवरेज बच्चे की मैंने बात की है, एवरेज बिलो एवरेज तो इससे भी ज़्यादा बार करना पड़ेगा, एवरेज बच्चे के लिए कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन तो करना पड़ता ही है टेस्ट में, समझ में आ गया? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी बेटा, कितनी मेहनत की आपको जरूरत है, कैसे करनी है, समझ में आ गया? यस और नो? तो इस टेस्ट में जो भी स्कोर हुआ नो टेंशन, आगे वाले टेस्ट में इससे बेटर करना है, करना क्या है करके दिखाऊंगा, समझ में आ गया? जो आपका स्कोर बना बेटा उससे इंप्रूव करके खुद को चैलेंज करो, अगर मेरे 40% बने हैं तो खुद को चैलेंज करो कि मुझे 50 बनाने ही बनाने अगले टेस्ट में, अगर मेरे 50 बने हैं तो मुझे 60 बनाने ही बनाने हैं, 60 बने तो 70 बनाने ही बनाने हैं, 70 बने तो 75 बनाने ही बनाने, चाहे कुछ भी हो जाए, 75 बने तो 80 बनाने ही बनाने, 80 है तो 85 बनाने बनाने, 70 से पहले तक तो 10% का जंप करो बेटा, ठीक है? 70 के बाद इतना ज़्यादा चेंजेस नॉर्मली आता नहीं है, उसका 5% लेके चलो, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 के बाद 2% का लेके चलो, क्योंकि जितना तक टॉप करते जाओगे बेटा इंप्रूवमेंट मुश्किल होता जाता है बेटा, 60 तो एवरेज बच्चा बना देता है, एक्चुअल पता चलता है उसके बाद 70 से ऊपर, समझ में आ रहा है? तो आज ही बेटा इस चीज़ को मैंने क्या कहा, खुद को चैलेंज करना सीख लो, खुद को चैलेंज करना तुमने सीख लिया, मुझे करना है तो करना है, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, तो वास्तव में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, समझ में आ गया? ये पेपर डिस्कस कराने का पर्पज यही था, तुम कहाँ गलती कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है, बस मुझसे ये गलतियाँ हुई है, नो डाउट गलतियाँ तो जिंदगी भर होगी, ठीक है? इस साल पूरी साल हम पेपर देंगे, बार बार आपसे गलतियाँ होगी, करवाई भी जाएगी, लेकिन मुझे इन गलतियों से लेसन लेना है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत कैसे हुआ, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दोबारा जिंदगी में कभी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे टेस्ट हो चाहे मेन एग्जाम का पेपर हो, समझ में आ गया? और ये मैं आपको बोल भी चुका हूँ, जो चीज़ आपको पढ़ा दी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कल वाला पेपर खोल के देख लेना, सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं है, बस बच्चे की अप्लाई करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मैंने कैसे किया, समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आगे वाले टेस्ट की प्रिपरेशन आज से कैसे स्टार्ट करनी है समझ में आ गया होगा, ठीक है? टेस्ट में आपको फिजिक्स में वेक्टर से पहले तक आया था, नेक्स्ट टेस्ट में वेक्टर से आएगा, तो वेक्टर से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए आज से, क्लियर है बेटा? साथ साथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिवीजन भी अपने बेसिस पे स्टार्ट कर देना, ठीक है? जो बच्चा खाली एक ही पार्ट की कोचिंग करता है वही बच्चा बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी देगा, ये ध्यान रखना, मेरी तरफ से फ्री उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, यानी कि आपने खाली केमिस्ट्री के लिए क्लास कोचिंग ज्वाइन की तो फिजिक्स के पेपर आप क्यों दे रहे हो, बायो के क्यों दे रहे हो, मैथ के क्यों दे रहे हो, आपने अलग चार्ज नहीं दिया, वो मेरी तरफ से फ्री है बेटा आपके लिए, पैसा सब कुछ नहीं है, इसी बहाने आप 2 चैप्टर अदर भी रिवाइज कर लोगे आपका फायदा होगा, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो आपके पास नोट्स है
किसी भी कोचिंग में चाहे आप पढ़ रहे हो, आपके पास नोट्स है, टेस्ट का सिलेबस मैं आपको भेजूंगा, उसमें चैप्टर का नाम साफ साफ लिखा आएगा, आपको अपने बेसिस पे रिवीजन करते हैं बाकी चैप्टर का भी, और उसमें कोई दिक्कत आए तो आप हमारे सर से डिस्कस भी कर सकते हो, नो टेंशन, आपको कोई अलग चार्ज नहीं लूंगा उसका, वो मेरी तरफ से आपके लिए बोनस होगा बेटा। अगर मेरी तरफ से आपको कुछ थोड़ा बहुत फायदा होता है तो मेरे लिए खुशी की बात है, मैं आपको चार पेपर के प्रिंट एक्स्ट्रा दे दूंगा तो कोई कंगाल नहीं हो जाऊंगा, उससे आपको फायदा होगा वो मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो आप मान लो खाली फिजिक्स की कर रहे हो तो फिजिक्स तो करनी करनी है, साथ में आपका जो डिवीजन है बेटा मैथ और बायो के अकॉर्डिंग, साथ में मैथ और बायो केमिस्ट्री आ रही है या बायो केमिस्ट्री आ रही है वो भी आप कर सकते हो, टेस्ट देना आपको, चैप्टर साफ साफ आपको नोटिस आएगा उस सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, साफ साफ आपको मिल जाएगा, क्लियर है? साथ में जो भी आप करता जाए, कुछ बच्चा खाली केमिस्ट्री करा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी भी रिवीजन कर लेना बेटा, नोट्स आपके पास है, नहीं हो तो बच्चों से ले लेना, ठीक है? तो वेक्टर से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, वेक्टर आएगा, वेक्टर वहां कर लिया ना, वेक्टर रिवाइज करना स्टार्ट कर देना। अपने यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल तक तो आ चुका है इस टेस्ट में, अगले टेस्ट में आएगा बोर मॉडल से, समझ में आ गया? तो बोर मॉडल से बच्चों आपको क्या करना है, रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है, बोर मॉडल से लेके पूरा एटॉमिक कंप्लीट, समझ में आ गया? यस और नो? जो बच्चे नए हैं उनको 2 दिन का टाइम मैं ले रहा हूँ, 2-3 दिन बाद मैं रिवाइज करवाना स्टार्ट कर दूंगा बेटा, समझ में आ गया? तब तक फिजिक्स अपनी तरफ से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो बेटा, ये पार्ट तो आप करो, समझ में आ गया? और कोई दिक्कत? यस और नो? यस और नो? तो ये बताओ बेटा अगले वाले टेस्ट में इससे बेटर स्कोर होगा या नहीं होगा? यस और नो? अभिषेक, लवीस, प्रिंस, छवि, यस और नो? यस और नो? फटाफट आगे बढ़े, फटाफट अगली बार और बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे बेटा, पक्का होगा, वेरी गुड, वेल डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हुआ उसको साइड कर देना, चाहे 90 बने चाहे 40 बने, मेरे दिमाग में अब टारगेट होना चाहिए अगले मुझे क्या करना है, आ गया समझ में? और भी कोई दिक्कत हो बेटा, कभी कुछ डिमोरलाइज फील करो, डिमोटिवेट फील करो, कभी तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नो टेंशन, अपनी तरफ से जी जान लगा दो, हमेशा तुम लोगों के साथ है, ओके, लगे रहो तुम। चलो बेटा अपना जो लास्ट लेक्चर था हम पढ़ रहे हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है? नए बच्चों के लिए जैसे मैं इनका कॉपी जरूर करवा दूंगा मैं बच्चों से, वो फिर अपन रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, 3-4 लेक्चर में बेटा वो आपको नोट करने हैं, ठीक है? वो मैं करवा दूंगा, टेंशन मतलब कॉपी करवा दूंगा। तो देखो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन क्या करे थे, मैंने क्वेश्चन लिखाए थे बच्चों, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की मेथड की बात करें तो पहला मेथड अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा एक्स मेथड। बच्चों देखो ऑक्सीडेशन नंबर, जो बच्चा नया है उसको थोड़ा हिंट देना चाहूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है समझते हो क्या? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसी सिंगल एटम का जो चार्ज होता है बेटा वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ गई? क्या काम है? चार्ज ऑफ सिंगल एटम, किसी सिंगल एटम पर चार्ज होता है वो क्या हो गया उसको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, क्लियर है? अब बाकी एटम पर क्या चार्ज होगा इसके सारे रूल्स मैंने 1 by 1 पीछे लिखाए हैं, अपन अलग से थोड़ा रिवाइज करेंगे बेटा 1-2 दिन में, ठीक है बेटा? क्लियर है? चलो यहां से अगर अपन बात करते हैं बच्चों तो देखो क्या कहेंगे कैसे करना है, वो एक क्वेश्चन अपन लिख रहे थे, कई सारे कंपाउंड आपको दिया जाए, एक एटम को अंडरलाइन आपको करके दे दे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कैसे होगा, तो ये आपको कैसे करना है यहाँ अपन बात कर रहे थे, ओके? चलो बच्चों तो देखो काफी क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करके बताए थे बच्चों, ये तो नेक्स्ट वाला कौन सा था उसके आगे कितने नंबर तक सोल्व कर लिए थे अपन ने, 16 तक सोल्व कर लिए थे क्या? चलो नंबर 17 वाला कौन सा था बेटा, BB3O4, उससे पहले हेमेटाइट मैग्नेटाइट वाला कर लिया था क्या सोल्व? चलो बेटा 18 वाला कौन सा था, अरे तो वो खतरनाक विपन वो है क्या, इस हथियार को विपन को छोड़ दिया था अपने, जाके पूछा था क्या पापा से, नहीं पूछा था, चलो बेटा तुमने नहीं पूछा था, चलो बेटा 18 वाला कौन सा था, M4 था क्या, चलो फिर था K2Cr2O7, फिर FeCO5, K3 FeCN6, नाइट्रोफ्लूसाइड Na2 FeCN5, ये था कि 23 पर FeSO4.NH42 SO4.6H2O, ये लो बच्चो ये आपका पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, यही थे ना,
ठीक है, इसमें हमने बेटा पीबी के लिए पूछा था, इसमें एमएन के लिए, इसमें सीआर के लिए, इसमें एफपी के लिए, इसमें एफपी के लिए, इसमें एफपी के लिए, और इसमें एफपी के लिए, और इसमें एएल के लिए, इन्हीं के लिए पूछा था ना, इतने ही थे ना, यस और नो। चलो बेटा बात करते हैं कैसे करना क्या करना, यहां तक तो आपने डिस्कस किया था कैसे करना बेटा, चलो इसके आगे बात करते हैं। चलो बेटा देखो इसके आगे सोल्व करते हैं, इससे पहले तक तो आपने सोल्व कर लिया था क्या 15 में Fe2O3 था, 15 तक तो कर चुके हैं शायद अपन, अरे कर चुके हैं ना। चलो बेटा देखो आगे बात करते हैं, Pb3O4 बेटा देखो ये अपने किया, ये पिछवा लेक्चर में कर रखा, मैं करवा दूंगा बेटा ठीक है। चलो इसके आगे तुम नोट करना स्टार्ट करना, उसके बाद मैं बोलूं तब। तो बच्चों देखो क्या करना, Pb3O4 ये कई सारे कंपाउंड हमने लिखे हैं, जिसको हमने अंडरलाइन किया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें, अरे क्या बोल रहा है बच्चा, 15 से करना है, इससे पहले नहीं किए थे क्या, 15 तक किए थे, तो तुम 16 तक कैसे बता रहे हो, 15 से करना है, 14 ही करवाए थे। चलो बेटा 15 वाला बोलो फटाफट, Fe2O3 इसमें Fe का, और 16 वाला Fe3O4 यही था ना, अब ठीक है यस और नो। चलो बेटा 14 से स्टार्ट करते हैं, चलो 14 तक हो गए, 15 का देखते हैं, 15 में देखो बेटा क्या बोल रहा है हमें, यानी Fe2O3 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमें पता है देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है बच्चों, वो कैसे देखना, कॉन्फ़िगरेशन देख लिया करो, कैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे बेटा, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड में कितने होंगे, 6, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताओ उसको गेन करने के लिए कितने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा, -2, जो चार्ज होता है वही तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यस और नो, क्लियर है बेटा। इसका मतलब जिसका कैलकुलेट करना है उसका एक्स मान लो, तो एफ का कैलकुलेट करना है, जिसको अंडरलाइन हमने किया बच्चों उसका कैलकुलेट करना है, एफ को क्या मान लो, एक्स मान लो, एक एफ का एक्स हो गया, एफ के कितने एटम बेटा, 2 है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, 2। अब क्या करना, बाकी का अल्जेब्रिक सम करता जाओ, अल्जेब्रिक सम कैसे, एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, -2, कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं बच्चों, तो एक ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, क्लियर है, और सभी का नेट चार्ज अल्जेब्रिक सम क्या होगा, इसके नेट चार्ज के, इसका नेट चार्ज कितना है बच्चों, 0, प्लस माइनस कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं बेटा, तो ये नेट चार्ज क्या है, 0, इसके इक्वल कर दो, क्लियर है यहां तक, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2x, और ये कितना हो गया, -6 इक्वल टू कितना है, 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 6 इधर आ जाए तो कितना हो गया, +6, यस और नो, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, +6/2 मतलब कितना हो गया, +3, यस और नो, अरे क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो नंबर 16 पर आते हैं, नंबर 16 में देखो Fe3O4 जिसका कैलकुलेट करना है उसका क्या मान लो बच्चों, x मान लो, ठीक है, इसका x मान लो, Fe का x मान लिया, कितने एटम है बच्चों, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, अभी हमने बोला है बच्चों, तो क्या हो गया, -2, कितने एटम है, 4, तो मल्टीप्लाई बाय, और हमें पता नेट चार्ज कितना है, 0, तो 0 को इक्वल कर दो, तो ये कितना हो गया, 3x माइनस कितना हो गया, 8 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, इधर आएगा तो प्लस का 8, यस और नो, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, +8/3, अरे समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई यही तो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 17 पर बात करते हैं, जिसका कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर किसका करना है, जिसको हमने अंडरलाइन किया है, और जिसका कैलकुलेट करना है उसको क्या मान लो, एक्स मान लो बच्चों, ठीक है, तो एक पीबी का एक्स हो गया, मल्टीप्लाई पीबी के कितने एटम है, 3 है, क्लियर है, ठीक है, और माइनस क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 2, और मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 4, और नेट चार्ज कितना है, 0, क्लियर है, तो यहां से मैं क्या करूंगा बच्चों, ये कितना हो गया, 3x, ये माइनस कितना हो गया, 8 इक्वल टू कितना है बच्चों, 0, तो यहाँ से क्या करूंगा, 3x इक्वल टू कितना हो गया, 8 इधर आएगा कितना हो गया, +8, समझ में आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, +8/3, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बच्चों। शुभम कैसे सोल्व करें, कुछ आइडिया लग रहा है, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं नंबर 18 पर बात करते हैं, अपन ने क्या कहा, रूल क्या है बच्चों, एक एक रूल हमने लिखा है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना होता है उसका एक्स मान लो, और बाकी सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, कैसे बच्चों, हमें पता है देखो KMnO4 में कैलकुलेट हमें किसका करना है, Mn का,
अरे एमएन का कैलकुलेट करना है तो बाकी के और ऑक्सीजन का लिखेंगे नहीं लिखेंगे, के का कैसे लिखना है, के कौन से ग्रुप का होता है, फर्स्ट ए का, यस और नो, लीना करे रब से फरियाद, याद है ना फर्स्ट ए वालों पर चार्ज कितना होता है, प्लस वन, शाबाश, याद है ना, अरे फर्स्ट ए वालों पर चार्ज क्या होता है, प्लस वन, तो के का क्या लिख दूंगा बेटा, प्लस वन हो गया, यस और नो, क्लियर है। और आगे क्या आ गया, एमएन, एमएन का क्या मान लो बच्चों, एक्स, जिसका कैलकुलेट करना है क्या मान लो, एक्स मान लो, और ऑक्सीजन का कितना होता है, माइनस टू, मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है, फोर, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या कर दो, जीरो, क्लियर है। ये कितना हो गया बेटा, वन प्लस एक्स माइनस कितना हो गया, एट इक्वल टू कितना है, जीरो, क्लियर है। तो यहां से क्या करेंगे, एक्स प्लस वन माइनस एट कितना हो गया, माइनस सेवन इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, एक्स इक्वल टू कितना होगा बेटा, प्लस सेवन, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बेटा। आगे चलो 19 में देखो, जिसका कैलकुलेट करना उसका क्या मान लो, एक्स मान लो बच्चों, अंडरलाइन किसको कर रखा हमने, क्रोमियम को कर रखा है बच्चों, तो क्रोमियम का क्या मान लेंगे बेटा, एक्स मान लो, ठीक है। बाकी का चार्ज लिख दो कैसे, पोटेशियम हमें पता है कौन से ग्रुप का है, अरे फर्स्ट ए का है या नहीं है, लीना करिए, याद है ना मैंने कहा फर्स्ट ए, देखते ही क्या कर देना, प्लस वन कर देना, क्लियर है। ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चों, माइनस टू, क्लियर है। इसका मतलब एक पोटेशियम का कितना हो गया बच्चों, प्लस वन, मल्टीप्लाई बाई पोटेशियम के कितने एटम है, टू, अरे नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों। क्रोमियम का कैलकुलेट करना है तो क्रोमियम का कितना मान लो, अरे एक्स मान लो बच्चों, जिसका कैलकुलेट करना है उसका एक्स मान लो, तो प्लस एक्स, क्रोमियम के कितने एटम है, तो मल्टीप्लाई टू हो गया। एक ऑक्सीजन का कितना, माइनस टू, मल्टीप्लाई बाय कितने हैं, सेवन, नेट चार्ज कितना, समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है। ये कितना हो गया बेटा, प्लस का कितना हो गया, टू, और ये क्या हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय टू, यानी कितना हो गया, टू एक्स, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और माइनस का कितना हो गया बेटा, टू मल्टीप्लाई बाय सेवन, यानी फोर्टीन इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, क्लियर है। जहाँ डाउट हो पूछ लेना, समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, टू एक्स प्लस का टू माइनस का फोर्टीन, यानी माइनस का ट्वेल्व होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों, ठीक है। माइनस ट्वेल्व इधर आ जाए तो क्या लिखूंगा, टू एक्स इक्वल टू कितना होगा, प्लस ट्वेल्व, यस और नो, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा, प्लस ट्वेल्व अपॉन टू, यानी कितना हो गया, प्लस का सिक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, यस और नो, समझ में आ गया बेटा, ठीक है बच्चों। देखो अब बात करते हैं किसकी, 20 नंबर वाले की। 20 में देखो बेटा क्या बोल रहा है, जिसको कैलकुलेट करना उसका क्या मान लो, एक्स मान लो, एक्स मान लिया बच्चों। आपको याद है मैंने कहा ब्रैकेट वाले कंपाउंड देखते ही दिमाग में आना चाहिए, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, यस और नो। ब्रैकेट वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं। ये वाला सेंट्रल मेटल एटम होता है, यहाँ जो जुड़ा होता है वो क्या होता है, लिगेंड, याद है ना, क्लियर है। अब ये लिगेंड कैसा है, पहली बात तो प्रिंस, ये कोबाल्ट नहीं है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों देखे स्केल से माप लिया होगा, बराबर साइज के दोनों, कार्बन ऑक्सीजन, तो क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड है। NO, N2O, CO, NH3, H2, ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं बेटा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th का चैप्टर बेटा, इसमें ऐसे कंपाउंड आते हैं, इसमें यहाँ डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये तो ध्यान है ना, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा डी ब्लॉक का होता है, क्रोमियम, आयरन, जिंक, कोयसा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर है। और इसके साथ में जो जुड़ा होता है वो होता है बेटा लिगेंड, लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, क्योंकि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, क्लियर है। यहाँ जुड़ा होता है उसका क्या बोलते हैं, लिगेंड, लिगेंड क्या करता है, इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो कम से कम खुद के पास इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए ना, तो या तो ये नेगेटिव चार्ज वाला होगा लिगेंड, या इस पर न्यूट्रल होगा तो इस पर लोन पेयर होगा, लोन पेयर समझते हो ना। यहाँ पर देखो प्लस माइनस में कोई सीओ पर कोई चार्ज होता है क्या, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रल लिगेंड का है, क्लियर है। अगर यहाँ पे जैसे Cl होता क्लोरीन, तो क्लोरीन पर तो माइनस वन चार्ज आता है, साइनाइड आयन हो सकता था, साइनाइड आयन पर क्या आता है, Cn माइनस, माइनस वन आता नहीं आता, बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि CO पर नॉर्मली हम सीधा CO लिखते हैं, कोई प्लस माइनस चार्ज लिखते हैं क्या, नहीं बेटा, इसका मतलब कोई नेट चार्ज जीरो होता है, तो ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, क्लियर है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये बताओ इसका एक्स हो गया तो CO का कितना होगा, जीरो, और कितने हैं बच्चों इसके, फाइव, नेट चार्ज कितना है, जीरो, क्लियर है। तो हमें पता है एक्स और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो ही आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यस और नो, चलो छाप दो बेटा, समझ में आया बेटा कुछ, ठीक है। एक काम करना, पहले ये नोट करना, तुमने नहीं कर रखा शुभम, पहले 15, 16 फिर 17 वाले ऐसे करो, हाँ
पहले 15 16 वाले कर लेना, फिर आज के आगे सॉल्यूशन है इसका। नोट करके बेटा तूने कॉल कर लिए थे घर पे, सेम आ रहे हैं सभी के? वेरी गुड। क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे? बहुत अच्छे। फिर भी साथ दे क्या, फिर भी नोट कर लो फटाफट, टाइम बचाओ, फिर मैं छाप दो फटाफट, बैठे रहेंगे टाइम बचाओ बेटा, टाइम की वैल्यू है। बाद में घर पे जाके रफ में कर लेना स्पीड के साथ, क्लास में बैठे हो तो अच्छे से, फिर मैं नोट कर लो इतनी देर। बहुत बढ़िया, वैसे साथ साथ ट्राई करते रहो बेटा, सब कुछ टिप्स पे हो जाएगा आपके। आपको पूरा सॉल्व करके वैसे लिखना है, आलस मत दिखाना। आपके लिए मैंने सब लिखा, वरना बिना पेंसिला भी डाटा लिख देता, यहाँ पर इतना यहाँ पर इतना, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया बेटा, आपको एग्जैक्ट वैसे ही करना है, ध्यान रखना ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्योंकि जब रिविजन करोगे तो ये प्लस सिक्स कैसे आया, माइनस टू कैसे आया, प्लस एट कैसे आया, ये सब चीज़ें बहुत कन्फ्यूज करेगी, तो पूरा सॉल्व करके इसलिए बताया ठीक है बेटा। चलो चलिए नोट, कहाँ तक ये लिख रहे हो? कोई बात नहीं, सारे लिख दे। चल कोई दिक्कत नहीं, भी लिख के फायदा नहीं, क्यों आगे सारा नोट करना पड़ेगा, टाइम काफी लग जाएगा इसमें। तो ये तो कर लिया क्या, घर पे करेगा क्या? बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे क्लास में। वैसे अपने बताया तो घर पे सोल्व करके देखना ठीक है, वो डाउट आए कल पूछ लेना, ये तो जान दे बेटा। चलो आगे बात करते हैं बेटा, कहाँ तक हो गए अपने, 20 हो गए ना। चलो बेटा देखो 21 वाला देखते हैं, समझना इस चीज़ को, देखो कैसे कर रहे हैं, समझना अच्छे से। देखो हमें एफ ई का कैलकुलेट करना है, मैंने क्या कहा था रूल, पहले मैंने रूल लिखा है बच्चों, ताकि बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खाली डाटा सोल्व करके मैथमेटिक्स सिखाना पर्पज नहीं है, तरीका बताना पर्पज है बच्चों, क्लियर है? बस उसको फिर अप्लाई करना सिखा रहा हूं मैं। अपना रूल क्या है, जिसको मैंने क्या कहा बेटा, जिसका कैलकुलेट करना है उसका एक्स मान लो, ये लो इस बेचारे का एक्स हो गया, काम खत्म, क्लियर है? बाकी बचे हुए आइटम पर क्या करना है, उसका चार्ज लिख दो, चार्ज किस पर कितना होगा, एक एक चीज हमने पढ़ रखी है, याद है ना बेटा? कैसे के पर चार्ज कितना आएगा, प्लस वन, क्योंकि फर्स्ट ए का है, यस और नो? साइनाइड, साइनाइड पर क्या चार्ज आएगा, माइनस वन। बच्चा कहे सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो कोई कंपाउंड याद करो, जैसे NaCN आपने देखा होगा,
NaCN, Na plus CN minus, yes or no? तो साइनाइड पर क्या होता है बच्चों? माइनस वन चार्ज, क्लियर है? बस अब सभी के अकॉर्डिंग क्या करो, देखो पोटेशियम, एक पोटेशियम का प्लस वन कितने एटम है? थ्री, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री, Fe का कैलकुलेट करना है, x मान लो बच्चों, साइनाइड कितना है बच्चों? माइनस वन, कितने एटम है? सिक्स, इक्वल टू क्या होगा? जीरो, क्लियर है? अरे ओवरऑल कोई चार्ज दिख रहा है क्या? तो प्लस माइनस कितना, नेट चार्ज कितना? जीरो कर दो बच्चों, तो क्या करेंगे? प्लस का थ्री, प्लस का थ्री, प्लस का एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स माइनस सिक्स कितना हो गया? माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? प्लस थ्री, यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो आगे चलो, 22 में देखो बच्चों हमें क्या करना है, इस Fe का बताना है, तो देखो बाकी बचे हुए एटम पर चार्ज रिप्रेजेंट कर दो बच्चों, कैसे? सोडियम पर क्या आता है? प्लस वन, क्योंकि फर्स्ट डे का है या नहीं है, लेना करे याद है ना, साइनाइड पर क्या आएगा? माइनस वन, क्लियर है? माइनस वन हो गया, ये प्लस वन, एनओ पर क्या आएगा? न्यूट्रल लिगेंड है या नहीं है, तो जीरो करेंगे नहीं करेंगे? यस और नो? यस और नो? यस और नो? इसके साथ Fe के साथ, बिल्कुल बेटा, आयरन के साथ क्या करेगा? प्लस वन की फॉर्म में, शाबाश, ध्यान रखना, ठीक है? नॉर्मल बच्चा क्या करेगा यहाँ पर, इसको जीरो मान के अप्लाई करेगा, रट के रखेगा, सर ने कहा ये न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है, लेकिन मैंने क्या कहा, आयरन के साथ हमेशा क्या करेगा, ये प्लस वन की फॉर्म में होता है, समझ में आ गया? यस और नो? आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, ओके? तो क्या करेंगे, बाकी कर लो बच्चों, देखो एक सोडियम पर क्या होगा? प्लस वन, मल्टीप्लाई बाय सोडियम का क्या करना? प्लस टू, ये ध्यान रखना बेटा, मैं पीछे लिखा चुका हूँ, आया हुआ पीछे लिखा दूँ, लिखाया हुआ मैंने, एनओ न्यूट्रल लिगेंड तो होता है, लेकिन Fe के साथ जुड़ा हो तो हमेशा क्या करेगा? प्लस वन की फॉर्म में करता है, स्टेबिलिटी के लिए, आ गया समझ में? ये ध्यान रखना हमेशा। तो क्या होगा, एक सोडियम पर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, Fe का कैलकुलेट करना है, तो x मान लो बच्चों, साइनाइड का कितना होता है बेटा? माइनस वन, मल्टीप्लाई बाय कितने हैं? फाइव है, और प्लस एनओ का कितना होगा बच्चों? यहाँ पर प्लस वन की फॉर्म में होगा, समझ में आ गया, क्लियर है? अब बच्चों देखो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, प्लस का टू, प्लस का एक्स माइनस फाइव, प्लस कितना हो गया? वन, यस और नो? अरे एक्स से देखो बच्चों, माइनस का फाइव है, प्लस टू प्लस वन कितना हो गया? प्लस थ्री, यस और नो? तो एक्स इज इक्वल कितना आ गया बेटा? नेट चार्ज कितना अपना? जीरो करना ही करना है बच्चों, ये जीरो के बराबर करते जाओ, यस और नो? तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस थ्री कितना हो गया बेटा? माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? यस और नो? अब बच्चा इस चीज को रट के रखता है, सर मैंने सही तो किया है, सही तो किया है, सही तो किया है, बच्चा क्या करता है, ये जीरो हो गया, माइनस फाइव, एक साइनाइड पर माइनस फाइव, तो पांच पर कितना? माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस टू कितना बच गया? माइनस थ्री, तो बदले में इस पर सर प्लस थ्री आ गया, बच्चा प्लस थ्री करके आता है, जबकि आंसर है क्या? प्लस टू। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा कैसे करना है, कितने हो गए? 22, 23 पर देखते हैं बच्चों, 23 पर क्या करना है बच्चों, देखो समझना इस चीज को, 23 वाला हमें कैसे करना है, 23 में देखो जिसका कैलकुलेट करना है, इसका क्या मान लेंगे बेटा? x मान लेंगे, यस और नो? सल्फेट, मैंने कहा था सल्फेट, अमोनियम, ये स्टेबल आयन होते नहीं होते, सल्फेट पर चार्ज क्या आता है? माइनस टू, पूरे सल्फेट पर एक साथ लिख देना, आ गया समझ में? अरे सल्फेट आपने देखा होगा SO4 माइनस टू, फेज के लिखा आता है, क्यों? माइनस टू चार्ज होता है इस पर, क्लियर है? H2SO4 होता है ना, दो एच प्लस ले जाते हैं, तो SO4 माइनस टू आता नहीं आता? आता है बेटा। अमोनियम पर क्या आता है? प्लस वन, अमोनियम आयन NS4 प्लस का, इसका देखा होगा, क्लियर है? NS4 प्लस सल्फेट पर माइनस टू, और H2 तो न्यूट्रल है, अरे वाटर पर टोटल चार्ज कितना है? जीरो, तो इसका जीरो होता है, क्लियर है बेटा? शुभम कुछ बात पहले पढ़ रही है बेटा, मैं जो बता रहा हूँ, ये इनका स्टेबल चार्ज है, सब कुछ पीछे लिखाया हुआ मैंने, ये सल्फेट का माइनस टू, अमोनियम का प्लस वन, सल्फेट का माइनस टू, वाटर का नेट चार्ज जीरो, प्लस माइनस टू दिखाई देता है क्या? नॉर्मल वाटर को सीधा H2O हम लिखते हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो, क्लियर है बेटा? ठीक है, बस सभी का अलग अलग लिख दो, कैसे? Fe का कैलकुलेट करना है, x कर दो, सल्फेट है तो आगे माइनस टू, क्लियर है? आगे क्या है बेटा? अमोनियम है, अमोनियम पर कितना? एक पर प्लस वन, कितने अमोनियम है? टू, तो मल्टीप्लाई बाय टू, इस सल्फेट का कितना? माइनस टू प्लस सिक्स, एक वाटर का कितना बच्चों? जीरो, मल्टीप्लाई बाय कितने मोलिक्यूल है? सिक्स, और नेट चार्ज सभी का क्या करना है? समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो देखो बच्चों एक्स, और देखो माइनस टू प्लस, देखो बच्चों वन मल्टीप्लाई बाय टू कितना हो गया? टू, माइनस का टू और प्लस का जीरो मल्टीप्लाई बाय सिक्स, जीरो इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है, यस और नो? तो देखो बेटा इस प्लस टू माइनस टू को डाल दो, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? प्लस टू, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा? यस और नो? बच्चों देखो ये तो खाली मेथड के अकॉर्डिंग करने का तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे इजी लॉलीपॉप तरीका बताता हूँ बच्चों, देखो कैसे, मैंने क्या लिखा? फेरस अमोनियम सल्फेट, समझना बच्चों इस चीज को। दूसरा तरीका क्या है?
एक तो ये है पूरा करने का तरीका, क्लियर है। नैनो सेकंडो में अगर आंसर देना हो तो क्या करना है, फेरस अमोनियम सल्फेट, अपन ने ये लिखा है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहां ध्यान रखना ये डबल सोल्ट होते हैं बच्चों, सोल्ट होते हैं, डबल सोल्ट होते हैं। आगे आयनिक में पढ़ेंगे, डॉट की फॉर्म में कई सारे कंपाउंड जुड़े होते हैं। मैंने क्या कहा, डॉट की फॉर्म में क्या होता है, कई सारे कंपाउंड जुड़े होते हैं, क्लियर है। जहां डॉट की फॉर्म में जुड़ा होता है वो अपने आप में अलग कंपाउंड होता है, समझ में आ रहा है। तो जो डॉट की फॉर्म में जुड़ा सबको अलग कर लो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यस और नो। तो बस जो आपने अलग किया उसी का चार्ज आपको देखना है। इस सल्फेट पर कितना माइनस टू, तो एफ ई पर कितना आ गया प्लस टू, यस और नो। एक अमोनियम पर प्लस वन, तो दो पे क्या प्लस टू, सल्फेट पर माइनस टू, ये जीरो होता ही होता है। हमें किसका चाहिए, एफ ई का तो चाहिए, एफ ई कितना आ गया, काम खत्म, यस और नो। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। तो ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तो, और बच्चा कहेगा सर मैं तो एक्स मेथड अप्लाई करके रहूंगा चाहे कुछ ही हो जाए, तो ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा लास्ट वाला देखते हैं, जो 24 हमें दे रखा है, लास्ट वाला देखते हैं क्या, K2SO4। बच्चों देखो कैलकुलेट किसका करना है, एल्यूमिनियम का एक्स मान लो, यस और नो, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है प्लस वन, सल्फेट का कितना होता है माइनस टू, सल्फेट का कितना होता है माइनस टू, और वाटर का कितना होता है जीरो, क्लियर है। बात समझ में आ रही है शुभम, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, देखो पोटेशियम का प्लस वन है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा टू कर दूंगा, सल्फेट का कितना बेटा माइनस टू, एक एल्यूमिनियम का कितना एक्स, कितने एल्यूमिनियम है टू कर दो बच्चों, और सल्फेट का कितना करूंगा माइनस टू, मल्टीप्लाई बाय कितने सल्फेट है थ्री है, और प्लस वाटर का कितना जीरो, कितने वाटर मॉलिक्यूल है 24, मल्टीप्लाई बाय 24, जितने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एक पर इतना टोटल पर इतना, क्लियर है। और नेट चार्ज ओवरऑल पहले चार्ज कितना आ रहा था जीरो, कोई प्लस माइनस दिखाई दे रहा था क्या, तो नेट चार्ज जीरो कर दिया था हमने, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या करेंगे, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू तो कितना हो गया प्लस टू, माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय टू कितना हो गया बेटा टू एक्स, यस और नो, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस सिक्स, और प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय 24, जीरो इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है, यस और नो। देखो बच्चों प्लस टू माइनस टू को उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते, उड़ा सकते हैं बेटा। तो देखो 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या करूंगा 2x इक्वल टू कितना हो गया प्लस 6, तो x इक्वल टू कितना हो गया प्लस 6 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया प्लस 3, यस और नो। इसको सोल्व करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है बच्चों, अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। कैसे, अपना कंपाउंड क्या है बच्चों, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, यही तो है। मैंने क्या कहा था, डॉट की फॉर्म में कई सारे कंपाउंड जुड़े होते हैं, डॉट से पहले का अकेला कंपाउंड होता है, डॉट के आगे वाला दूसरा कंपाउंड होता है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ डॉट तक तो एक कंपाउंड ये हो गया, यस और नो, यहाँ से लेकर बेटा दूसरा कंपाउंड हो गया, यस और नो। मुझे क्या चाहिए, ओनली एल्यूमिनियम का तो चाहिए बच्चों, एल्यूमिनियम का क्या होगा, हमें पता है एक सल्फेट पर कितना बेटा माइनस टू, तो तीन पर कितना हो गया माइनस सिक्स, माइनस सिक्स तो बैलेंस करने के लिए इस पर क्या प्लस सिक्स, दो पर प्लस सिक्स, तो एक पर कितना, समझ में आ गया, यस और नो। शुभम कुछ बात समझ में आया बेटा, रेहान लवीस अभिषेक गुड़िया को डाउट बेटा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, मैंने क्या कहा था, एल्यूमिनियम अपने सभी कंपाउंड में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है प्लस थ्री करता है बेटा, शाबाश, ये फिक्स होता है। जैसे फ्लोरीन क्या करता है माइनस वन, वैसे एल्यूमिनियम क्या करता है प्लस थ्री, आपको करके देखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया। कंपाउंड फॉर्म में एल्यूमिनियम हमेशा प्लस थ्री की फॉर्म में आएगा, क्योंकि मेटल है तो ये पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसका कॉन्फिगुरेशन क्या होता है 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड सेल में कितने बच गए 3 बच गए, वो 3 डोनेट करेगा तो क्या होगा प्लस 3 चार्ज आएगा, समझ में आ गया, क्लियर है। वो डाउट, किसी भी बच्चे के डाउट बेटा इनमें कैसे क्या, कोई सा किसी भी क्वेश्चन में डाउट, रेहान लवीस अभिषेक शुभम अंशु को डाउट बेटा, शुभम कोई सा भी डाउट, टिपिकल जरूर है पीछे का अपन को कॉन्सेप्ट बेटा, एक काम करना कल मैं तुम्हें 1 घंटे पहले बुलाऊंगा, ठीक है। तो जो रेडॉक्स अपने 3-4 लेक्चर पीछे पढ़े हैं वो रिवाइज करवाऊंगा, कल मैं 1 घंटे पहले बुलाऊंगा, ठीक है, अपन पीछे का रिवाइज करेंगे तो ये और समझ में आएगा। आज खाली जो कितना आया थोड़ा सा ये देख लेना, टेंशन मत लो, ये नोट कर लो इतना क्या आया, घर पे कोशिश करना कल 1 घंटे पहले बुला के मैं तुम्हें रेडॉक्स रिवाइज करवा दूंगा, ताकि कम से कम रेडॉक्स आगे पढ़े वो तो कनेक्टिविटी बने, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो ठीक है बेटा,
बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलो यहाँ तक नोट करो बेटा, कोई डाउट तो पूछ लेना, ठीक है? और कुछ? चलो जाते हैं, मिलके जाना। हाँ बेटा, एटॉमिक वाली क्लास बेटा, दो तीन बच्चे कल और आएंगे तो तीन चार बच्चों को एक साथ करके ही मैं रिवाइज करवा दूंगा।